नमस्कार, आरोग्यम में आप सभी का स्वागत है। बारिश का मौसम खुशियों के साथ ढेर सारे बीमारियां भी लेकर आता है। अचानक नमी और बदलाव के कारण बैक्टीरिया, वायरस और आदि कीटाणुओं का पनपना काफी आसान हो जाता है। अगर इनकी वजह से होने वाली बीमारियों का तुरंत ध्यान न दिया जाए तो दिक्कत काफी बढ़ सकती है। इस खतरे को आसानी से टाल सकते हैं। कुछ आम बीमारियां जो इस मौसम में देखने को मिलती हैं, वो है जैसे सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, कॉलेरा, अस्थमा, फंगल इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त, निमोनिया आदि। इस मौसम में कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चे एवं बुजुर्ग काफी ससेप्टेबल होते हैं बीमारियों के लिए। खान पान में चुनाव की काफी आवश्यकता होती है ताकि आप बीमार ना पड़े। सबसे बचने के लिए बाहर का खाना अवॉइड करें, स्वच्छ और गुनगुना पानी पिएं, मच्छरों से बचने के लिए इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करें, बारिश के पानी में ना भीगें, हाथों को बार बार धोएं, खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं। अगर आपको अस्थमा और डायबिटीज की शिकायत है तो नमी वाले कमरों से दूर रहें, आसपास के वातावरण में मच्छरों के पनपने के स्थानों को खत्म करें। घरों में इस्तेमाल होने वाले कुछ नुस्खे इस प्रकार हैं। जुकाम के लिए गर्म दूध में हल्दी, अदरक वाली चाय, हल्के गुनगुने पानी में शहद, गुनगुने पानी का गरारा, ताजे फलों का रस आदि। तला भुना, चिकना, मसालेदार और बाहर के खाने से बचें। अगर बुखार, दस्त आदि परेशानियां लंबे समय से चल रही हैं, तो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। रस्टॉक्स, आर्सेनिक, एकोनाइट, बेलेडोना, फ्राइनिया, नेट्रामियोर कुछ आमतौर पर यूज होने वाली होम्योपैथिक दवाएं हैं। सबसे अच्छी दवा वही है जो एक डॉक्टर आपको एग्जामिन करने के बाद प्रिस्क्राइब करेगा। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें।